इस काल ने आपको ऐसे पाल रखा जैसे कसाई बकरे पालता है। अब आप देखते हो कसाई के बकरों को, बकरे और बकरी नर मादा दोनों इकट्ठे छोड़ देता है, एक बड़ा हा तरागाह बना देता है, खेत घास फूस झाड़ झड़ों वाला, और उसके चारों तरफ बाड़ लगा देता है, एक शेड बनाता है, एक झोंपड़ी उनके लिए गर्मी सर्दी से बचाने के लिए, और एक सरोवर बना देता है तालाब वहाँ पर उनके पानी पीने के लिए, वहाँ तरते हैं पानी पीते हैं, गर्मी सर्दी से बचने के लिए वृक्षों के नीचे या शेड के नीचे आ जाते हैं। और वो कसाई जब जाता है उन बकरों के पास तो ये समझते हैं, या कसाई के नौकर जाते हैं तो वो ये भोली प्राणी ये समझते हैं कि बड़े दयालु हैं सारे, हमारी कितनी केयर टेक करते हैं, कितनी देखभाल कर रहे हैं और कैसी सुविधा दे रखी है, तो वो बहुत नेक स्वामी नज़र आते हैं। लेकिन जब उसको ज़रूरत पड़ती है कसाई को, वो निकलवा लेता है, 10 चाहिए 20 चाहिए उनमें से, उसमें ना देखता किसी का बेटा आ रहा है, किसी की माँ आ गई है, या पूरा परिवार ही क्यों ना आ गया हो, बेशक आ जाओ। कसाई किसे कहते हैं? तो पुण्यात्माओं, जब कभी कभी वो कसाई या उसके नौकर जब उन बकरों में जाते हैं, बकरियों में, तो वो उनको अच्छा आदमी समझ कर उनसे प्यार करते हैं, उनकी तरफ भाग कर जाते हैं, उनसे प्यार करते हैं, ऊपर को पैर उठा के सीने से लगाना चाहते हैं और उसके हाथ को चाटते हैं। वो देख रहा है ऐसे हाथ लगा के, वो कसाई देख रहा है कि इसमें कितना मांस हो गया, कुणसे में कितना है, पहला किसकी टिकट काटूं, और वो चाटते हैं, स्वामी अच्छा मालिक मानकर उसे प्यार देते हैं। तो परमात्मा बताते हैं कि आप इन सुविधाओं को देखकर ये मान बैठे हो कि भगवान बड़ा दयालु है, और फिर कर के कर तोल देता है, किसी का परिवार नष्ट हो गया, कि तो महामारी आ गई, कि तो फ्लड आ गया, कहीं रोग से, कहीं दुर्घटना से हाहाकार मची है, या अन्य किसी बीमारी से, तो उस समय आपकी बुद्धि इतना काम नहीं करती, वो बिजली क्यों गिर गई इस परिवार पे। हम सोचते हम नहीं मरेंगे, हम ठीक ठाक हैं, उस दुर्घटना से पहले वो अभी ठीक ठाक मान रहे थे, तो यह भूल मिटेगी इस सत्संग से, क्योंकि ये सत्संग है और भगवान का दिया हुआ बताया हुआ ज्ञान है, 100% सत्य है। हम व्यवस्था दूसरी में घने दिनों से रचे हुए हैं, तो हमारा देर से बुद्धि में स्वीकार्य होती है कि ये ऐसे कैसे होगा, ये कैसे खाता है, शरीर तो यहाँ रह जाता है। जैसे आपने बादाम देखे होंगे, बादाम ऊपर का कवर खाने का नहीं होता, अंदर गिरी होती है, इसी प्रकार ये बॉडी जो ऊपर की है ये तो अंदर गिरी बनाने के लिए कवर है, यानी सूक्ष्म शरीर है इसके अंदर। उसके अंदर हम सारे जीवन में जो खाते हैं पीते हैं और जो भी व्यसन करते हैं उन सब का अंश उस सूक्ष्म शरीर में लिप्त हो जाता है, शेष तो बॉडी इस स्थूल शरीर के पालन पोषण में लग जाता है और कुछ उसके अंदर समा जाता है। जैसे आप देखते हो ओक्का बीड़ी और शराब, ये भुक्की और ये अफीम, ये खान की चीज़ें, और सबसे ज़्यादा सबके घर में पहुँच गई है। कलयुग में शायद ही कोई व्यक्ति बचा हो, व्यक्ति बचा है तो घर नहीं बचा है। तो ये क्यों खा रहे हैं? क्योंकि ये मन है, इसने अपना एजेंट छोड़ रखा, काल का दूत है ये दूसरा रूप काल का समझो, और ये चाहता है कि ज़्यादा टेस्ट ये खाए, हुक्का पाड़े, तम्बाकू पी हुए खावे, इसका उतना ही अंश उसमें जाएगा सूक्ष्म शरीर में। और फिर उनको भून कर एक तपतशिला बहुत बड़ी तई सी है पत्थर की, उस पर डाल देता है 1,00,000 प्राणियों को, सूक्ष्म शरीर को, ये स्थूल शरीर यहाँ रह जाता है, इसके हम अंतिम संस्कार में लगे रहते हैं, कभी इसका पेंड भरवाते हैं, कभी गंगा में डलवाते हैं, कभी तेरामी करते हैं, और वो तपतशिला वो नज़ारा होता है। तो फिर उसमें से जो गंध निकलता है उन सूक्ष्म शरीर को भून कर, जीव मरता नहीं सूक्ष्म शरीर में, लेकिन दुख घना होता है, उसको ये काल खाता है, जिस कारण से आपको यहाँ ये पाले बैठा रोके बैठे। अब यहाँ प्रसंग एक और उठता मन में,
सृष्टि रचना आप पढ़ते हो तो वहाँ ये लिखा है कि परमात्मा ने इसको श्राप दे दिया 100,000 मानव शरीरधारी प्राणी नत खाने का। तो क्योंकि हम बच्चे हैं, हमारे अंदर शंकाएँ ढेर सारी उत्पन्न होती हैं जब प्रथम बार इस ज्ञान को सुनते हैं, तो बहुत सी त्रुटियाँ लगती हैं कि परमात्मा ने 4 युग इसको क्यों दे दिए, 3 युग क्यों दे दिए, पहले ही मना कर देते। ये पहले तो आपको वहाँ मना कर ही रहे थे सतलोक में कि तुम मत जाओ, इसकी बात मत सुनो, इसकी तरफ ना देखो। तब कौन से हम मान गए थे, हम भगवान से धोखा दिया और अपने पैर पर कुवाड़ा मार के आज यहाँ ये गधे कुत्ते बनकर हम कष्ट उठा रहे। तो परमात्मा को पता था सतयुग त्रेता द्वापर में ये मेरी नहीं मानेंगे, क्योंकि इनको सुख होगा इनके ही कर्म का, पिछले संस्कारों का, जो सतलोक से धन लेकर आए थे भक्ति का, आपका चलता रहा और कलयुग में आकर वो खत्म हो जाता है। और परमात्मा आपको ऐसी भक्ति देगा जो दास आपको देगा, आप उतना ही चारद हो जाओगे उस भक्ति से, इस मंत्रों से, और उतना ही भक्ति युक्त हो जाओगे जिस भक्ति से आप वहाँ से संचित होकर आए थे, सैचुरेटेड थे, परिपूर्ण थे, और इसका कर्ज भी उतर जाएगा जिस कारण से रोक रही हुआ आपको। तो ऐसे हम वापस जाएंगे, वो भक्ति दास के पास उपलब्ध है, इस विश्व में किसी के पास नहीं है, और अब सबका कल्याण होगा जिस मार्ग पर लग जाएंगे। तो ये तो मालिक का वचन है, होगा।